गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत निबंध व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय की छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके संबंध में निवेदिता इकाई की डॉक्टर रूपमा कौशिक ने बताया कि NSS के साथ दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 6 मार्च से शुरू हुआ है, जो कि 13 मार्च तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राओं को सेवा कार्य के लिए प्रशिक्षित करना व समाज के प्रति उनके दायित्वों को जगाने का ही मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 6 मार्च से विभिन्न प्रतियोगिता कराई जा रही हैं, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह सभी छात्रों को 13 मार्च को प्रथम व द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए निवेदिता इकाई की डॉक्टर रूपमा कौशिक ने कहा, डॉक्टर अनुपमा कौशिक, निवेदिता इकाई, कार्यक्रम अधिकारी। ये NSS के सप्त दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो यह कार्यक्रम जो है वो हमारा 6 तारीख से 6 मार्च से शुरू हुआ है और ये अभी 13 तारीख तक चलेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को एक तरह से सेवा कार्य के लिए प्रशिक्षित करना और बच्चों के अंदर जो है वो समाज के प्रति और समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को जगाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है इस तरह के प्रोग्राम का। और आज जो है वो बच्चे रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान अब तक जो है वो स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई है, ब्रोच बनाने की प्रतियोगिता कराई गई है और कल बच्चों ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है वो कार्यक्रम किया था, एक रैली निकाली थी और जो है वो एक शपथ भी ली थी। तो इस तरीके से जो है वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बच्चों को जो है वो सेवा कार्य के लिए तैयार करना। हाँ, जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसको अभी हम लोग जो है वो जजमेंट करेंगे और उसके बाद से हर इकाई से फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो चुने जाएंगे बच्चे, और जब जिस दिन हमारा समापन होगा उस दिन इनको पुरस्कृत किया जाएगा।